आज के इस आधुनिक युग में मनोरंजन के अनेक साधन हैं और एक दूसरे से बात करनी हो या संदेश भेजना हो उसके लिए मोबाइल फोन एकमात्र सबसे आधुनिक उपकरणों में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब मनोरंजन का साधन एकमात्र रेडियो हुआ करता था। महत्वपूर्ण संदेशों का आदान प्रदान भी रेडियो के माध्यम से ही होता था। वो रेडियो ही था जो आज वॉइस पॉडकास्ट जैसी आधुनिक तकनीक में तब्दील हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई? तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात है 24 दिसंबर 1906 की शाम की, जब कैनेडाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडेन ने जब अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना। ये दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में तथा गुलियेल्मो मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी। पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत वर्ष 1906 में फेसेंडेन के साथ हुई। ली द फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड जैसे लोगों ने इसके बाद रेडियो प्रसारण के प्रयोग करने शुरू किए। तब तक रेडियो का प्रयोग सिर्फ नौसेना तक ही सीमित था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद किसी भी गैर फौजी के लिए रेडियो का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया था। लेकिन वर्ष 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हार्टब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया। पर कुछ दिनों बाद ही पुलिस को खबर लग गई और रेडियो स्टेशन बंद करा दिया गया। एक वर्ष बाद ली द फॉरेस्ट ने वर्ष 1919 में सैन फ्रांसिस्को में एक और रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया। नवंबर 1920 में नौसेना के रेडियो विभाग में काम कर चुके फ्रैंक कॉनार्ड को दुनिया में पहली बार कानूनी तौर पर रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति मिली। कुछ ही सालों में देखते ही देखते दुनिया भर में सैकड़ों रेडियो स्टेशनों ने काम करना शुरू कर दिया। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई। इसके बाद ब्रिटेन में बीबीसी और अमेरिका में सीबीएस और एनबीएस जैसे सरकारी रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हुई। नवंबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया। 1927 तक भारत में भी ढेरों रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बन गया। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर भारत में भी रेडियो के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ट्रांसमीटरों को सरकार के पास जमा करने के आदेश दिए गए। नरिमन प्रिंटर्स उन दिनों बॉम्बे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बायकुला के प्रिंसिपल थे। उन्होंने रेडियो इंजीनियरिंग की शिक्षा पाई हुई थी। लाइसेंस रद्द होने की खबर सुनते ही उन्होंने अपने रेडियो ट्रांसमीटर को खोल दिया और उसके पुर्जे अलग अलग जगह छुपा दिए। इस बीच गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। गांधी जी समेत तमाम नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए और प्रेस पर भी पाबंदी लग गई। कांग्रेस के कुछ नेताओं के अनुरोध पर नरिमन प्रिंटर्स ने अपने ट्रांसमीटर के पुर्जे फिर से एकजुट किए। माइक जैसे कुछ सामान की कमी थी जो शिकागो रेडियो के मालिक नानक मोटवानी की दुकान से मिल गए और मुंबई के चौपाटी इलाके के सी व्यू बिल्डिंग से 27 अगस्त 1942 को नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया। अपने पहले प्रसारण में उद्घोषक उषा मेहता ने कहा, 41.78 मीटर पर एक अनजान जगह से यह नेशनल कांग्रेस रेडियो है। इसके बाद इसी रेडियो स्टेशन ने गांधी जी का भारत छोड़ो का संदेश मेरठ से 300 सैनिकों के मारे जाने की खबर, कुछ महिलाओं के साथ अंग्रेजों के दुराचार जैसी खबरों का प्रसारण किया, जिसे समाचार पत्रों में सेंसर के कारण प्रकाशित नहीं किया जा सका। पहला ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का था, जिसे शीघ्र ही नरिमन प्रिंटर्स ने और सामान जोड़कर 100 किलोवाट का कर दिया। अंग्रेज पुलिस की नजर से बचने के लिए ट्रांसमीटर को 3 महीने के भीतर ही 7 अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। 12 नवंबर 1942 को नरिमन प्रिंटर्स और उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और नेशनल कांग्रेस रेडियो की कहानी यहीं खत्म हो गई। नवंबर 1941 में
रेडियो जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीयों के नाम संदेश भारत में रेडियो के इतिहास में एक और प्रसिद्ध दिन रहा, जब नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद वर्ष 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, जो पहले जर्मनी से, फिर सिंगापुर और फिर रंगून से भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करता था। स्वतंत्रता के पश्चात से 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। धीरे धीरे आम नागरिकों के पास रेडियो की पहुंच के साथ इसका विकास होता गया। सरकारी संरक्षण में रेडियो का काफी प्रचार प्रसार हुआ। 1947 में आकाशवाणी के पास सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच 11% लोगों तक ही थी। आज आकाशवाणी के पास 200 से अधिक रेडियो स्टेशन है और उसकी पहुंच 99.1% लोगों तक पहुंच चुकी है। टेलीविजन के आगमन के बाद शहरों में रेडियो के श्रोता कम होते गए, पर एफएम रेडियो के आगमन के बाद अब शहरों में भी रेडियो के श्रोता बढ़ रहे हैं और आज हमारे पास मनोरंजन के लिए रेडियो मिर्ची, बिग एफएम जैसे कई रेडियो स्टेशन हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।